सागर में कोरोना के कहर को देखते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर 100 दिन में तैयार होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि ये प्लांट रोज 100 बिस्तरों के मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, जिससे कोरोना काल में मरीजों को बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही मंत्री ने व्यवस्था सुधारने के लिए भी कड़े दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने कहा कि हर वार्ड में एक MD डॉक्टर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्टाफ को शिफ्ट में बांटकर 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 100 डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के निर्देश में गोविंद सिंह राजपूत ने दिए हैं। अस्पताल के भीतर की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने मरीजों को समय पर भोजन देने की भी बात कही। निरीक्षण के दौरान BJP जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया, विधायक शैलेंद्र जैन, कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक सिंह शामिल रहे। हमारा और विधायक जी का, अध्यक्ष जी सबका आने का उद्देश्य यहाँ ये था अधिकारियों के साथ में कि हम जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, ऑक्सीजन प्लांट समय से चालू हो जाए, उसमें किसी प्रकार की देर ना हो, ये बहुत ज़रूरी था। मुख्यमंत्री के निर्देश थे ऑक्सीजन प्लांट जाके मंत्री स्वयं चेक करें, तो मुझे संतुष्टि है कि ऑक्सीजन प्लांट बन गया है, उसकी अन्य मशीन आके चालू हो जाएगा। 10-12 तारीख कहा जा रहा है कि 10 तारीख चालू हो जाएगा, तो बहुत सुविधाएँ हो जाएंगी।